प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी के मद्देनजर गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पहुंचे थे, जहां अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो वहीं विपक्षियों को जमकर लताड़ लगाई। वहीं अमित शाह की रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में मुस्लिम शख्स जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगातार दिख रहा है। इसके बाद अमित शाह ने राम मंदिर पर बोलना शुरू किया। आइए सुनते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा। कभी ट्रिपल तलाक का कानून जाएगा, नरेंद्र मोदी सरकार आई ट्रिपल तलाक के कानून को खत्म कर मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कोई नहीं मानता था कि राम जन्मभूमि का फैसला आएगा और राम जन्मभूमि मंदिर की शुरुआत हो। मित्रों, हमने कहा था कि गौ हत्या पर कड़ाई करेंगे। मैं आज आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि जो अवैध कत्लखाने चलते थे उसको बंद कराने का काम योगी सरकार ने कर आज प्रदेश के अंदर एक प्रकार से कानून का शासन लाने का काम किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में अभी मैं अखिलेश जी का शासन भाषण सुन रहा था, टीवी पर चल रहा था कि अपराध बढ़ गया है। अखिलेश जी, कहां से चश्मा लाए हो, किस चश्मे से देखते हो? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है, 70%। लूट हथियारों के साथ लूट में 69% की कमी हुई है, हत्या में 30% की कमी हुई है, बलवा में 33% की कमी हुई है और दहेज के मृत्यु में 22.5% की कमी हुई है। जरा घर जाकर आंकड़े खंगाल दो अखिलेश जी, आपके शासन के अंदर यूपी में माफिया राज था, आज यूपी में कानून का राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी। इस मामले को लेकर युवक का कहना है कि उसने श्रीराम का नारा लगाकर कोई गुनाह नहीं किया है। वहीं बजरंग दल ने युवक को समर्थन देते हुए इसे सही बताया और उसे सुरक्षा दिलाने का आश्वासन दिया है। उधर उल्मा ने इस मामले पर ऐतराज जताते हुए युवक से उल्मा के सामने आकर तौबा करने की बात कही। बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने विगत दिन सहारनपुर रैली में श्रीराम और भारत माता की जय बोलने वाले मुस्लिम युवक के खिलाफ मौलवियों द्वारा फतवा जारी कर उसे धमकी देने का आरोप लगाकर सरकार से कार्रवाई की मांग की। आरोप यह भी है कि कुछ लोग उक्त युवक को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। विकास त्यागी ने कहा, जिन लोगों को जय श्री राम और भारत माता की जय बोलने से ऐतराज है, उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है। बजरंग दल एहसान राव के साथ खड़ा है। उन्होंने सरकार से एहसान राव को सुरक्षा मुहैया कराने और फतवा जारी कर मारने की धमकी देने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। युवक ने बताया, उसका नाम एहसान राव है और वह नगर के मोहल्ला पठानपुरा का रहने वाला है तथा वह भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला महामंत्री है। उसने दो टुक कहा कि भगवान श्री राम के ही वंशज हैं, उनके नाम पर नारा लगाने पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जिस देश में रह रहे हैं उसका नारा लगा दिया तो क्या गलत किया? किसी मौलाना को उन्हें इस्लाम से खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।